नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है स्टडी फॉर फिशरी। फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स के वन लाइनर की। देखिए, आपको यूपीजे के एग्ज़ाम में जीएस के प्रश्न पत्र में आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इकोनॉमी से जुड़े हुए आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वो आएंगे आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको आपको बेसिक चीज़ें तो इकोनॉमिक्स की पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र विद्वान हो, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। आर्थिक नियोजन विषय है यह समवर्ती सूची का। देखिए, आर्थिक नियोजन जो विषय है यह समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में सन 1998 का नोबल पुरस्कार किसे मिला? ये मिला था अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? यह है किसी उद्यम में जो सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, वो जो है संयुक्त क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है बेहतर और अधिक संतुलित विकास करना है। नेक्स्ट, जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ था 1994 में। नेक्स्ट, भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी रामकृष्णा। अगला है, कौन सा एक युग्म जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? तो यह प्रति व्यक्ति आय लिंग अनुपात। नेक्स्ट है, मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकास क्षेत्रीय राज्य यह है केरल, ये सबसे ज़्यादा विकसित राज्य है केरल। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान है। नेक्स्ट है, पी रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान चौथा है। नेक्स्ट है, कापार्ट एक स्वायत्त संस्था है जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। फ्रेंड, देखिए, अभी आपको 2017-18 का आर्थिक सर्वेक्षण वाला करंट अफेयर आ चुका होगा, आप उसको भी तैयार कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखली करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। अगला है, व्यावसायिक संपत्ति में न्यासिता सिद्धांत प्रतिपादन किया, ये महात्मा गांधी ने किया था। अगला है, क्रय शक्ति समतुल्यता की माप के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़े देशों की चौथी अर्थव्यवस्था बनी रही। पहले जो तीन नव है वो है यूएसए, चाइना और जापान। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में विद्यमानता। फ्रेंड, देखिए, यूएसए, चीन और जापान ये तीन अर्थव्यवस्था के बाद में चौथी अर्थव्यवस्था भारत है। लेकिन फ्रेंड, जो भारत है, भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो ये जापान के भी पहले आने के पूरे चांसेस है। विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था होगी। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्वानता है। अगला है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित है। बंद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? वो जहाँ पर ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है, उसको बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अगला है, भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में मुख्यतः आधारित संरचनागत अवरोध कहा जाता है। तो ये अत्यधिक विविधता के वित्तीय संस्थान के अस्तित्व को। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अगला है, कितना उत्पादन किया जाए इसके निर्णय कैसे अर्थव्यवस्था में व्यक्ति द्वारा किया जाता है? तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किया जाता है, भारत का आर्थिक विकास एवं समृद्धि में। अगला है, राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन होता है? ये होता है अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय लेखाकरण में निवल राष्ट्रीय उत्पादन का क्या अर्थ है? ये राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास, इसमें से सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास निकाल दिया जाए तो निवल राष्ट्रीय उत्पादन मिल जाएगा। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP और NNP के बीच अंतर किसके बराबर है? ये पूंजी मूल्यह्रास के बराबर है। अगला है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्रित करना है। अगला है, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य है। फ्रेंड, देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है या GNP क्या होता है, NNP क्या होता है, तो इस वीडियो के लास्ट में एक पेज में ये दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशन दी हुई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि NNP क्या होता है, GNP क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है। अगला है, राष्ट्रीय आय, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया।
इस क्वेश्चन को आप याद रखना। अगला है, कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? ये भी आप याद रखना। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है, CSO। अगला, राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। नेक्स्ट है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद मालूम करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाते हैं? तो मूल्यह्रास हम घटा देते हैं। अगला है, लेखा के शब्दों में अंतिम माल का क्या तात्पर्य है? मतलब आरंभिक माल प्लस निवेल निवेश, इसमें से पूंजीगत हानि इसमें से माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश है होता है प्राथमिक सेवा क्षेत्र से। अगला है, आर्थिक विकास के वित्तीयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है? यह कर नीति का। अगला है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पादक को मापा जाता है तो स्थिर दामों पर। अगला है, पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? वर्ष 1949 में किया गया। अगला है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है तो प्रतिवर्ष किया जाता है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? ये किया था महबूब उल हक ने। अगला है, किस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? किसी भी राष्ट्र की ये होती है कुल उत्पादन आय। अगला है, GNP की गणना करते समय किसकी आवश्यकता होती है? तो निवल विदेशी निवेश की। नेक्स्ट है, कोई भारतीय नागरिक न्यूयॉर्क में फ्लैट किराए पर ले तो यह शामिल किया जाएगा USA के GNP में। अगला है, राष्ट्रीय आय, देखिए फ्रेंड ये GNP और NNP क्या होता है? GNP होता है फ्रेंड अगर किसी देश के अंदर उस देश के रहने वाले नागरिकों ने या व्यक्तियों ने देश में जितना भी कमाया, जितना भी खर्च किया है, जितना भी पैसे का लेन देन देश के अंदर हुआ है, वो हमारा GNP में कैलकुलेट होगा। यानी कि जितनी भी प्रति व्यक्ति आय है वो हमारे GNP में कैलकुलेट होती है। अभी NNP क्या होता है? NNP होता है फ्रेंड, ये GNP हमने किसी पर्टिकुलर देश का लगा लिया। अब ऐसे मान लीजिए ये भारत है, भारत में GNP कैलकुलेट हो गया प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में। अब ये मान लीजिए कोई दूसरा देश है, मान लीजिए USA है। अब USA में या फिर कनाडा में किसी में भी अगर कोई बंदा भारत का USA में जाके रहने लगता है और वहाँ पर जो है ये कोई काम करता है, कोई भी कार्य करता है, तो भारत को इसको टैक्स देना पड़ता है। यानी कि ऐसा पैसा जो भारत में नहीं बल्कि विदेशों में होता है, और वो विदेशी जो भारतीय होते हैं वो भारत को टैक्स देंगे, तो ये हमारा जो है NNP में काउंट होगा, ये हमारा NNP में आएगा। अब देखिए ऐसा भी होगा कि भारत में कोई विदेशी आकर के कार्य करेगा तो वो भारत की GNP में काउंट नहीं होगा, वो उस देश की के लिए NNP बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसमें दिया हुआ है कि अगर न्यूयॉर्क में किसी ने फ्लैट खरीदा तो वो GNP में काउंट होगा USA की, क्योंकि वो उसने वहाँ खरीदा है। अगला है, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने से क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। पदारित सकल राष्ट्रीय उत्पाद किस पर जोर देता है? तो यह देता है चिरस्थायी विकास पर। अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, ये थी महालनोविस मॉडल पर। अगला है, आर्थिक विकास की सबसे बेहतर माप कौन सी है? तो यह है प्रति व्यक्ति आय। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए कौन सा है? तो ये बता चुकी है आपको। नेक्स्ट है, उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP क्या होता है? तो GDP में से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इसमें जो है इमदाद इस पर जोर दिया जाता है। अगला है, सकल घरेलू उत्पाद, देखिए सकल घरेलू उत्पाद ही होता है जो हमारी राष्ट्रीय आय बनाता है, GDP जो हमारा राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से जुड़ करके बनता है, हमारी राष्ट्रीय आय बनती है, राष्ट्रीय इनकम बनती है। अगला है, सकल घरेलू उत्पाद मूल्य क्या होता है? ये होता है एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम सही वस्तुओं और सेवाओं का। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास भत्ते को घटाने पर क्या मिलता है? तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है। अगला, राष्ट्रीय आय देखिए क्या होती है? बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन होता है। किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय से जाना जाएगा। अगला है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक विकास दर किस दशक में दर्ज की गई? ये 1921 से 1931 में ऋणात्मक वृद्धि दर जो है
दर्ज की गई थी। अगला है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का प्रकाशन है? तो यह विश्व बैंक का है। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र में के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 3 है। अगला है, अनिवार्य लाइसेंस की परिधि में रखे गए उद्योगों की संख्या 5 है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म और लघु उद्योगों का कुल औद्योगिक उत्पादन का हिस्सा, ये 39% है। अगला है, सूक्ष्म और लघु उद्योगों का कुल निर्यात में हिस्सा 33% है। मध्यम क्षेत्र में उपक्रम का रोजगार 128 लाख प्रति व्यक्ति है। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है। गन्ने और चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। सर्वाधिक दाल उत्पादन वाला राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक मोटे अनाज वाला है राजस्थान। और तिलहन, सभी तिलहन के लिए गुजरात। अगला है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में भिन्न देशों भिन्न क्षेत्रों के योगदान का ह्रासमान कम है। यह है सेवा, उद्योग और कृषि। अगला है, हिंदू संवर्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो यह जीडीपी से। फ्रेंड याद रखना, हिंदू संवर्धि है, आप इसे धार्मिक बदल लीजिएगा, हिंदू संवर्धि दर जो होता है वो जीडीपी में वृद्धि दर से होता है। अगला है, पद राष्ट्रीय निरूपित करता है। तो ये बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन से मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर और उसमें उत्पादन जोड़ना होता है। अगला है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय। अगला है, एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई है। CIGXM का क्रम से अर्थ यह है कि उपभोग, निवेश, आर्थिक खर्च और कुल निर्यात और कुल आयात। तब आप बताइए कि राष्ट्रीय आय क्या होगी? तो होगा माइनस होगा बाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस वन ब्रैकेट में। वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है, तो मूल्य स्तर की वृद्धि दर का। अगला है, 1980 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद की कुल राशि में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी थी, न बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाई गई है इसमें। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्थाएँ वे हैं जिनके लिए 1994 में प्रति व्यक्ति आय GNP थी, तो ये 10 थी, 19 ये थी। आगे है, भारत में राष्ट्रीय आय की संगणना का वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? तो 1999 से 2000 है। अगला है, भारत में बचत में भागीदारी के संदर्भ में पिछले 4 वर्षों के आधार पर क्या कथन सही है? तो घरेलू क्षेत्र में वित्तीय एसेट की भागीदारी बढ़ी है। 2005-2006 के दौरान भारत में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 8.4% की हुई। 2006-2007 में GDP में 25 से 30% के मध्य इसका अंश रहा था। अगला है, GNP में श्रम की भागीदारी कम है, तो कीमत की तुलना में मजदूरी कम है। अगला है, किस एक का भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का। अगला है, 2001-2002 वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर क्या है? 5.6। नेक्स्ट है, गत 5 दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान का प्रतिशत धीरे धीरे घट रहा है। अगला है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP का सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट है, भारत में स्थिर मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्राकलन के लिए आधार वर्ष जो है 1999 से 2000 है। नेक्स्ट है, किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास घटा कर दे। कितनी बार ये रिपीट हो रहे हैं, आपको भी याद हो गए होंगे ये। अगला है, सकल घरेलू उत्पाद मूल्य एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पादक होता है, तो GDP में प्रत्यक्ष कर घटा करके सब्सिडी जोड़कर उसे। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग किया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। नेक्स्ट है, किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया गया? तो लॉटरी जीतना राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। अगला है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसे तैयार किया? ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट है, ग्रीन आउटिंग का अर्थ होता है प्रदूषण और पर्यावरण क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापना। अगला, राष्ट्रीय आय की बेहतर माप कौन सी है? तो प्रज्य आय है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकार एजेंसी यह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य जो है राष्ट्रीय आय अनुमान का एकत्रित करना है। आगे, राष्ट्रीय आय का क्या तात्पर्य है?
तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य है। राष्ट्र आय निर्धारण के सिद्धांत में किस पर व्यय को निवेश नहीं माना गया? तो अवनी की वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि पर इसको जो है नहीं माना गया। नेक्स्ट, निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है? आय में। अगला है, जीडीपी की गणना करते समय किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो निजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, जीएनपी और निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर होता है पूंजी ह्रास के बराबर। अगला, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? किसी देश के एक वर्ष की अवधि में उत्पादित पूंजीगत पदार्थों का आर्थिक मूल्य है। अगला है, राष्ट्रीय उत्पादन के विकास की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में क्या सुधार करना चाहिए? तो निवेश की दर को बढ़ाना और पूंजीगत उत्पादन अनुपात को कम करना। राष्ट्रीय आय क्या होती है? उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है, आय विधि में राष्ट्रीय आकलन करते समय किसको शामिल नहीं किया जाता? तो अप्रत्यक्ष कर को नहीं किया जाता है। प्रति व्यक्ति क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय, तो राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, ये होता है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए किसको हटाया जाता है? हराज को हटाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय आय के संबंध में कुछ अवधारणा, जैसे कि अंतिम वस्तुएं किन्हें कहते हैं? तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तु होती है जिनमें उत्पादन प्रक्रम में पुनः कोई शिफ्ट नहीं किया जाता है। अंतिम वस्तुएं वो होती है। उपभोग वस्तुएं क्या होती है? तो अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग की गई वस्तुएं अथवा उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुएं उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। इसमें सेवाओं को शामिल किया जा सकता है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं किन्हें कहते हैं? तो ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं जो अतिशीघ्र नष्ट हो जाती हैं बल्कि एक कालावधि तक टिकती हैं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? तो ऐसी वस्तुएं जिनका क्रय उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, वो पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं? तो ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्पादन प्रक्रम में होता है, वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। स्टॉक क्या होता है? जिन परिवर्तनों की परिभाषा एक निश्चित काल बिंदु पर होती है उनको स्टॉक कहते हैं। प्रवाह की परिभाषा, प्रवाह परिवर्तन जिसे एक कालावधि में परिभाषित किया जाता है। सकल निवेश किसे कहते हैं? पूंजीगत स्टॉक में अभिवृद्धि जिससे पूंजी स्टॉक में होने वाले टूट फूट के लिए प्रतिस्थापन भी शामिल होता है, सकल निवेश कहते हैं। निवल निवेश किसे कहते हैं? तो पूंजी स्टॉक के अतिरिक्त वृद्धि को हम बोलेंगे निवल निवेश। सकल निवेश के विपरीत इसमें पूंजी स्टॉक के अपक्षय के लिए प्रतिस्थापन शामिल नहीं होता। मूल्यह्रास किसको कहते हैं? तो पूंजी स्टॉक में एक कालावधि के अंतर्गत टूट फूट तथा अपक्षय को मूल्यह्रास बोलते हैं। मूल्यह्रास जो है तृतीय विनिमय दरों के अंतर्गत विदेशी मूल्यों के रूप में देश की करेंसी कीमत में कमी करना है, यह विनिमय दरों में वृद्धि के अनुरूप होता है। देखिए, राष्ट्रीय आय गणना की उत्पाद विधि में किसे शामिल किया जाता है? तो किसी कालावधि में राष्ट्र अर्थव्यवस्था में होने वाले उत्पादन के समस्त मूल्य की माप करके राष्ट्रीय आय की गणना की विधि का किया जाता है। राष्ट्रीय आय गणना की व्यय विधि में किसे शामिल किया जाता है? तो एक कालावधि में राष्ट्रीय आय की इसमें उत्पादित वस्तु और सेवाओं के अंतिम व्यय के समस्त मूल्यों को शामिल किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय आय गणना में आय विधि के किसे शामिल किया जाता है? तो इसमें किसी अर्थव्यवस्था के अंतिम कार को अदायगी के समस्त मूल्यों की माप को इसमें शामिल किया जाता है। निवल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तु और सेवाओं का समस्त मूल्य जिसमें पूंजी स्टॉक के मूल्यह्रास शामिल नहीं होते, इसको निवल निवेश कहा जाता है। फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी चैनल पर, करंट अफेयर की वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना।